असला डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल वी यू स्टडी विद मी जी स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों और अल्लाह ताला आप सबको बहुत कामयाब करे आमीन स्टूडेंट आज की अपनी इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी वन ओ वन लेक्चर वाइज एम सी क्यू सीरीज का लेक्चर नंबर सिक्स डिस्कस करेंगे और ये लेक्चर आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके क्विज के हवाले से भी और आपके मिड टर्म के हवाले से भी ठीक है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि आप लोगों ने इस लेक्चर का जो आपके मतलब ये जो लेसन है इसका शॉर्ट लेक्चर आप लोगों ने जरूर लेना है क्योंकि इसमें बहुत सी आपकी जो डेफिनेशन है वो आपकी कॉन्सेप्ट की बेस पे आपके मतलब जो डेफिनेशन हैं उनसे रिलेटेड जो आपके एमसीक्यूज आएंगे वो आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप लोगों ने जरूर शॉर्ट लेक्चर लेना है अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया था और मैं अब भी आपको कह रही हूँ कि आपको मोस्टली जो एम होते हैं कभी भी डायरेक्ट नहीं आते इनडायरेक्ट होते हैं कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो आप बहुत अच्छे से उन्हें सॉल्व कर सकेंगे तो चलिए स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर है सोशल इंटरेक्शन इसमें आपका फर्स्ट एम सी क्यू है डैश इज द गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ठीक है अब ह्यूमन बीइंग्स की एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं इसका जो गोल है उसे हम कहते हैं सोशल एक्ट अब ये आप कह सकते हैं कि आपकी सोशल एक्ट की डेफिनेशन है बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है मोस्टली आपकी इसमें डेफिनेशन ही हैं और ये लेक्चर भी आप लोगों का काफी लेंथी है नेक्स्ट चलते हैं रेसिप्रोकल सोशल इंटरेक्शन इज दैट सिचुएशन इन विच द एक्चुअल और एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ वन पर्सन इफेक्ट द बिहेवियर ऑफ अदर्स अब ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है इससे रिलेटेड आपको कोई भी एमसीक्यू वो दे सकते हैं ठीक है डायरेक्ट एम स्टेटमेंट नहीं आएगी आपको कोई भी रिलेटेड इससे आपको दे सकते हैं तो आपने अच्छे से उसको समझना है अब यहाँ पे आपकी रेसिप्रोकल सोशल इंटरेक्शन की डेफिनेशन है ये यानी वो सिचुएशन जिसमें एक पर्सन का बिहेवियर जो है वो दूसरे पर्सन के बिहेवियर को असरअंदाज करे नेक्स्ट चलते हैं डैश इज द प्रोसेस बाई विच पीपल एक्ट एंड रिएक्ट इन रिलेशन टू ईच अदर इज अब आपके पास सोशल इंटरेक्शन की डेफिनेशन है सोशल इंटरेक्शन क्या है ये वो प्रोसेस है जिसमें पीपल जो है वो पीपल किसी भी शख्स का एक्ट और रिएक्ट ठीक है एक्शन और रिएक्शन जो होता है रिलेशन में एक दूसरे के साथ उसके प्रोसेस को हम सोशल इंटरेक्शन कहते हैं नेक्स्ट चलते हैं नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ एनी सोशल रिलेशनशिप इज अब किसी भी सोशल रिलेशनशिप का जो नेसेसरी यानी खास कंपोनेंट है जरूरी वो क्या है अवेयरनेस ऑफ द पीपल विद होम यू इंटरेक्ट अब उन लोगों के मुतालिक आपको अवेयरनेस हो जिनके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं ठीक है या इंटरेक्ट होते हैं नेक्स्ट चलते हैं डैश इज अ अ सोशल 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 पोजीशन दैट एन इंडिविजुअल इन सिचुएशन अब ये आपकी स्टेटस की डेफिनेशन है मैंने आपको बताया है आप लोग लेक्चर जरूर ले लीजिए इसका बेशक आप शॉर्ट लेक्चर ले, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करना है तभी आपको ये सारी डेफिनेशन अच्छे से समझ आएंगी और इन डेफिनेशन से रिलेटेड जो एम आपको आएगा वो आप सॉल्व कर सकेंगे नेक्स्ट चलते हैं स्टेटस माइट इंडिकेट द डैश एसोसिएटेड विद वन पोजिशन अब स्टेटस क्या है वो किसको इंडिकेट करता है पावर को प्रेस्टिज को प्रिविलेजेस यानी कि स्टेटस सिर्फ किसी एक चीज का नाम नहीं है उसमें ये तमाम चीजें आपकी आ जाती हैं कंपोनेंट्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन इंटरक्शन सोशल इंटरेक्शन के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं सोशल स्टेटस है रोल है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी है ऑप्शन इसका आपका राइट right जो है वो ऑल है और ये साथ में जो फोर कंपोनेंट है वो भी मैंने आपका लिख दिया है कम्युनिकेशन ठीक है आपको अगर पूछ लें तो आपको पता हो शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज में

ठीक है गिवन टाइम में जो शख्स है वो किसी स्टेटस मतलब उसका जो स्टेटस होता है वो किस पे रेफर करता है स्टेटस सेट को मौजूदा टाइम आप कह सकते हैं नेक्स्ट चलते हैं स्टेटसेस आर ऑफ टू टाइप्स अब स्टेटस कितने टाइप्स के होते हैं टू टाइप्स के ये कौन कौन से हैं मैंने लिख दी है एस्क्राइब स्टेटस और अचीव्ड स्टेटस अब ये कौन से होते हैं नेक्स्ट हम चलते हैं आपके एमसीक्यू इलेवन पे सोशल पोजिशन दैट समन रिसीव्स एट बर्थ और सम एज्यूम्स इन वॉलेंट्रिली लेटर इन लाइफ इज एंड एस्क्राइब स्टेटस ये दोनों आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एम सी क्यों है आप लोगों ने लाजमी इसकी डेफिनेशन याद रखनी है इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है इसकी एग्जाम्पल भी आपने याद रखनी है ठीक है अब वो आपका एस्क्राइब स्टेटस क्या होता है जो आपको बाय बर्थ मिला हुआ हो ठीक है यानी कि बचपन से आप जब एट बर्थ आपकी बर्थ पे मिला हुआ हो या पहले से ही आपको मिला हो लाइफ में उसे हम एस्क्राइब स्टेटस कहते हैं अब उसकी एग्जाम्पल कौन सी है जैसे असन अ पाकिस्तानी अटीन एजर कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ एस्क्राइब स्टेटस ये या आपने याद रखना है या आपका पास्ट क्विज में ये वाला पूछा गया है आप पाकिस्तानी कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ एस्क्राइब स्टेटस ठीक है आपने याद रखना है

एंड सिंगर आर द एग्जांपल ऑफ अचीव स्टेटस ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट एम सी क्यू है चारों आपने लाजमी इनको इसकी एग्जांपल याद रखनी है और अचीव्ड और एस्क्राइब as, स्टेटस uh, में डिफरेंस भी याद रखना है मेनी स्टेटस आर अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ एस्क्रिप्शन एंड अचीवमेंट स्टेटमेंट आपकी थ्रू हैज एक्सेप्शनल इंपॉर्टेंस फॉर सोशल आइडेंटिटी ऑफ एन शेपिंग अर्सन इंटायर लाइफ अब ये आपकी मास्टर स्टेटस क्या होता है ये उसकी डेफिनेशन है और ये आपको क्लियर अच्छे से तभी होंगे जब आप इनका शॉर्ट लेक्चर लेंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अपना ठीक है उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं मास्टर स्टेटस की एग्जाम्पल क्या है वंस ऑक्यूपेशन यानी किसी एक का ही जो कब्जा होता है डैश इज अवियर एक्सपेक्टेड ऑफ सम वन हुस अ पर्टिकुलर स्टेटस तो अब आपका ये इस क्या है रोल की डेफिनेशन है रोल इज अ बिहेवियर एक्सपेक्टेड ऑफ हु समू अ पर्टिकुलर स्टेटस इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं रोल इज द डायनेमिक एक्सपेक्ट ऑफ वन स्टेटस ये अब आप लोग देख लीजिएगा इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अ नंबर ऑफ रोल्स अटैच टू सिंगल स्टेटस इज नोन एज रोल सेट ठीक है ये रोल सेट की डेफिनेशन है जिसमें आपके पास यानी कि एक सिंगल स्टेटस के साथ बहुत से नंबर्स नंबर ऑफ रोल्स अटैच हों नेक्स्ट चलते हैं इनकम्पेटेबिलिटी अमंग रोल रोलिंग टू टू और मोर स्टेटस इज नॉन एज रोल कंफ्लिक्ट अब रोल कंफ्लिक्ट क्या होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा uh, जो है वो इनकम्पेटेबिलिटी रोल्स हों क्रॉसपॉन्डिंग टू टू और मोर स्टेटस दो या दो से ज्यादा स्टेटस होते हैं ये रोल कन्फ्लिक्ट होता है और जिसमें आपके पास सिंगल स्टेटस होता है मेन चीज ये याद रखने वाली है ठीक है सिंगल स्टेटस वाला आपके पास रोल स्ट्रेन कहलाता है और दो या दो से ज्यादा स्टेटस वाला आपके पास रोल कन्फ्लिक्ट कहलाएगा ये आपकी डेफिनेशन है बहुत सारी डेफिनेशन है इसमें चैप्टर में और आपने बहुत ध्यान से इनको ना अच्छे से याद करना या ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं

इस एग्जाम्पल में कॉन्सेप्ट क्या बताया जा रहा है आपको नेक्स्ट चलते हैं पर्सन बिगिंस द प्रोसेस ऑफ डैश बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन हिज लाइफ एंड कमिंग टू डाउट हिज एबिलिटी टू कंटिन्यू इन सर्टेन रोल अब ये रोल एग्जिट की डेफिनेशन है आपके पास कि आपका रोल एग्जिट क्या होता है नेक्स्ट चलते हैं ऑफ द फॉलोइंग रोल विल विल अप्लाई हो गए यहाँ पे इफ अ पर्सन लीव्स जॉब अन्ट्रीली ठीक है अगर कोई पर्सन खुद से जॉब छोड़ता है यानी कि अपनी जॉब छोड़ता है तो वो आपके पास रोल क्या होता है एग्जिट रोल होता है और अगर कोई शख्स है वो रिटायर हो जाता है उसको रिटायरमेंट मिलती है तब भी वो उसका रोल एग्जिट ही होगा ठीक है या आपने याद रखते हैं कि अगर कोई पर्सन खुद भी जॉब छोड़े तब भी रोल एग्जिट है और अगर वो रिटायर हो जाए तब भी वो रोल एग्जिट है प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एक्स डायरेक्टर आर द एग्जाम्पल अब ये किसकी एग्जाम्पल है रोल एग्जिट की नेक्स्ट चलते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन रियलिटी अब ये इसकी डेफिनेशन है आपकी सोशल कंस्ट्रक्शन रियलिटी क्या होती है ठीक है पीपल क्रिएटिवली शेव रियलिटी थ्रू इंटरेक्शन इंटरेक्शन के जरिए जो रियालिटी क्रिएट करते हैं रियालिटी की शेप क्रिएट करते हैं उसे हम कहते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ द लाइफ स्पैन ऑफ पीपल इन टू डैश कैन बी द एग्जाम्पल अब ये सोशल कंस्ट्रक्शन की एग्जाम्पल ये है अडल्टुड है चाइल्ड हुड है ओल्ड एज है नेक्स्ट चलते हैं दैट वी डिफाइन एज रियल बिकम रियल इन देयर कॉन्सिक्वेंसिस और इन देयर बींग फंक्शनल अब ये सिचुएशन की डेफिनेशन है आपकी बहुत सारी आपकी इसमें डेफिनेशन है ठीक uh, है नेक्स्ट चलते हैं अन अदर इंपॉर्टेंट कम्पोनेंट ऑफ इंटरेक्शन फॉर विच वी नीड टू हैव अ लैंग्वेज वर्बल एंड नॉन वर्बल ये भी आपकी इंपॉर्टेंट एम सी क्यू है कि जो आपका अनदर अदर इंपॉर्टेंट कम्पोनेंट इंटरेक्शन का एक और कम्पोनेंट कौन सा है यह आपका फोर्थ कंपोनेंट है ना हमने ऊपर पढ़ा है यह आपका फोर्थ कंपोनेंट है कम्युनिकेशन और ये भी इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अब इसमें आपके पास क्या होता है लैंग्वेज होती है वर्बल और नॉन वर्बल अब यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ आपने बाकी इसको शॉर्ट लेक्चर से देखना है वर्बल वो होता है जिसमें आपको लैंग्वेज की जरूरत होती है लाइक जिस तरह मैं अब आपको आपसे बात कर रही हूँ मतलब मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ तो मैं कोई लैंग्वेज यूज कर रही हूँ तो ये आपकी वर्बल है और नॉन वर्बल आपका वो होता है जिसमें आप कोई साइन यूज करते हैं कोई कोड यूज करते हैं कोई भी आप सिंबल यूज करते हैं तो ये आपकी नॉन वर्बल होती है ठीक है ह्यूमन बींग डिवेलप डैश दैट दे एसोसिएट विद द रियलिटीज ऑफ लाइफ ये देखिए ये आगे साइंस सिम्बल्स कोड्स ये आपके नॉन वर्बल में आते हैं ठीक है और वर्बल में आपको कोई ना कोई लैंग्वेज जरूरी होती है ये थे स्टूडेंट आपके थर्टी वन एम सी क्यूज बने हैं आपके इस लेक्चर में से बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो को अच्छे से समझिएगा फुल वॉच करके आपने देखना है और मैं फिर कह रही हूँ कि शॉर्ट लेक्चर आपने ज़रूर लेना है नेक्स्ट आपका एम सी क्यूज है इसके ऑल ऑफ द फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अब ये देखें अभी आपसे पूछ लिया गया आपको फोर ऑप्शन दिए हुए और पूछा है कि ये तमाम जो है वर्बल कम्युनिकेशन uh, है सवाए किसके अब ये टॉक आपके पास गया है ये आपके पास वर्बल है ये नॉन वर्बल नहीं है अब पेपर में इससे रिलेटेड कोई भी आपको एम आएगा तो वो आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको वर्बल और नॉन वर्बल में डिफरेंस पता होगा क्योंकि जरूरी तो नहीं है अभी आपको आया हुआ है तो पेपर में यही वाला एमसी आपको रिपीट हो कोई और भी दे सकते हैं तो आपने बस ये आपने याद रखना है वर्बल में लैंग्वेज की जरूरत होती है नॉन वर्बल में आप साइन कोड और इस टाइप की चीज यूज़ करते हैं आप टॉक है इसके लिए हम लैंग्वेज यूज करते हैं तो ये आपकी वर्बल है ठीक है कंसिडरिंग वन सेल्फ अ पाकिस्तानी ये देखिए ये जो मैं आपको ऊपर बता रही थी अ पाकिस्तानी इज एन एग्जाम्पल ऑफ एस्क्राइब स्टेटस ठीक है अब और में भी आपने फर्क याद रखने। नेक्स्ट चलते हैं अ पर्सन ओवरऑल पोजीशंस इन द सोसाइटी इज कॉल्ड इट्स स्टेटस सेट या आपका जो एमसीक्यू नंबर नाइन है ऊपर उससे रिलेटेड आपको ये एमसीक्यू आया हुआ है अब आप खुद देख सकते हैं कि आपको स्टेटमेंट का फर्क किस तरीके से पहचानना है ठीक है तो जी स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़